दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से दहशत का माहौल है। कोरोना वायरस इटली और स्पेन में कहर बरपाने के बाद अब अमेरिका में विनाशक बन गया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस की चपेट में आकर 345 लोगों की मौत हो गई, जबकि यहां पर 18,000 नए मामले भी सामने आए हैं। इस लिहाज से अमेरिका में हर मिनट में लगभग 13 कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 1,00,000 पार कर गई और अमेरिका ने कोरोना केस के मामले में चीन, इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें, अमेरिका का कभी ना सोने वाला शहर न्यूयॉर्क इन दिनों कोरोना का केंद्र बन गया है। यहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका के आधे से ज्यादा कोरोना पेशेंट न्यूयॉर्क में पाए गए। न्यूयॉर्क में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। वहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली इस शहर में भी अब इटली के जैसे हालात पैदा हो गए। अस्पताल में बेड्स की कमी है, साथ ही में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के पास सुरक्षा उपकरण और वेंटिलेटर की भी किल्लत पैदा हो रही है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इन चुनौतियों के बीच में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां अपनी तेज कर दी है।